क्यूमेन का आईपीसी नेम तथा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, अपना बेंजीन बना दो, बेंजीन पे यहाँ पे जोड़ दो सी, उसके साथ सी एच थ्री और यहाँ आपका सी एच थ्री। देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, फोर वैलेंसी होती है, 1 2 3, और चौथी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन में देखिए तीन डबल बॉन्ड रहते हैं, 1 2 3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका इसका डबल बॉन्ड का सीक्वेंस रहता है, क्रम रहता है। यानी देखिए नाम लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर ये आपका क्या है, देखो इसमें बेंजीन, बेंजीन इसमें आपका पेरेंट रिंग है और यहाँ पे ये आपका सब्स्टिट्यूट है। हम क्या करते हैं, अपना पहला सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, ठीक है। पेरेंट रिंग को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम अपना नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे देखो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो तीन नंबर आता है आपका सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना, तो यहाँ आपका सब्स्टिट्यूट कौन है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोप्रोपिल कहते हैं, आइसोप्रोपिल, और आपका ये बेंजीन। और इसके देखिए कुछ अदर नाम भी है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, देखो यहाँ नंबरिंग कर दूँ 1 2, तो 1 नंबर पे कौन बन जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा सी एच थ्री। सी एच थ्री को क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं, 1 मैथिल, और यहाँ पे कितने, दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ, इसके पीछे क्या जोड़ दिया, वाई एल, और उसके बाद इसका नाम लिख दिया आपका बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसके जो आपके आईपीसी नेम बनते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।